शाइस्ता की मददगार मुंडी पासी तक टीवी 9 भारतवर्ष पहुंच गया है। टीवी 9 भारतवर्ष पर उसका बयान भी सामने आया है। मुंडी पासी ने शाइस्ता से मुलाकात की बात कैमरा पर कबूली है। चुनाव के दौरान शाइस्ता से हुई मुंडी पासी की मुलाकात, ये कहना है उसका, शाइस्ता ने धोखे से बुलाया था, मैं भाग आई। अतीक अहमद ने मेरे भाई को मरवाया, ये भी मुंडी पासी की ओर से कहा गया। मेरे खिलाफ कोई गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज नहीं है। तो अब तक शाइस्ता परवीन फरार है, उसके लोकेशन तक पुलिस नहीं पहुंच सकी है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी मददगार इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर है, उसके कैमरा पर। उसने तमाम वो बातें कबूली कि हाँ उसकी शाइस्ता परवीन से मुलाकात हुई, लेकिन शाइस्ता ने उसे धोखे से बुलाया। क्या कुछ कहा पहले सुनिए। चुनाव के पीरियड मरियड गिल धोखे से बुलाई शाइस्ता परवीन, ये महिलाओं भी थी वो, कहीं मुंडे चलना है, हम जब वहाँ देखे कि चुनाव के पीरियड है, हम भाग आए। शाइस्ता कैसी औरत थी? गोरी से है, तगड़ी से। कैसा नेचर था उसका? हम आधे घंटे में क्या बता पाएंगे। तो देखिए, मुंडी पासी को इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वो महिला है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये शाइस्ता परवीन के साथ लगातार मौजूद है और उसके लोकेशंस बदलने में उसकी सबसे बड़ी मददगार भी वही साबित हुई थी। लेकिन मुंडी पासी ने क्या कुछ कहा शाइस्ता को लेकर, सुनवाते हैं आप। शाइस्ता परवीन, ये महिलाओं भी थी वो, कहीं मुंडे चलना है, हम जब वहाँ देखे कि चुनाव का पीरियड है, हम भाग आए। शाइस्ता कैसी औरत थी? गोरी से है, तगड़ी से। कैसा नेचर था उसका? हम आधे घंटे में क्या बता पाएंगे। आप कह रही है कि भाई मारे गए शाइस्ता परवीन या अतीक अहमद ने मरवाया? नहीं, मेरे भाई मारे गए हैं। मूलचंद पासी के पता कर लीजिएगा, अतीक अहमद मरवाए हैं। कौन मरवाए? अतीक अहमद। हाँ, लहास भी नहीं मिली। मूलचंद पासी की लहास भी नहीं मिली, तब विधायक थे। किसने मरवाया था मूलचंद पासी को? अतीक अहमद। उस समय अतीक अहमद सांसद थे या विधायक? बहुत पहले तब विधायक थे, तभी हम भी छोटे थे, हमारे भाई की डेड बॉडी भी नहीं मिली। हम क्यों फंसेंगे? इसलिए कह रहा ना, बात कर लो आप अपनी बात रखिए। हम क्यों फंसेंगे, बता दो ये पूरी बात। मेरे पास कोई गैंगस्टर नहीं। आप पे मुकदमे दर्ज है? तीन मुकदमे मेरे पर है, भाई दुश्मन मर्डर हुआ था बहुत पहले, उसी में मुझे फर्जी फंसाया गया था, 120 भी के मुकदमा दिया गया था। फरवरी में शाइस्ता आई थी, आपसे मुलाकात हुई थी? यहाँ नहीं हुई थी, चौराहे पे हुई थी। क्या उस समय क्या बात हुई थी शाइस्ता से? वो कह रही थी चलना है एक जगह, तो हम चले गए, तो वहाँ जब देखे चुनाव के पीरियड है, तो हम चले आए। तो आप सुन रहे थे मुंडी पासी को, जिसका कहना है कि मुझे धोखे से शाइस्ता परवीन ने बुलवाया था और कई सारी बातें उसने कही। पुनीत शर्मा वहीं पर मौजूद है। पुनीत, इस महिला की तलाश पुलिस को लंबे वक्त से थी और ये माना जा रहा था कि उसकी फरारी में, यानी शाइस्ता की फरारी में यही सबसे बड़ी मददगार भी है। अब ये कैमरा पर आई टीवी 9 भारतवर्ष के और बहुत सारे कबूलनामे इसके। जी बिल्कुल, देखिए मुंडी पासी जो कि पुलिस का यह कहना है कि वो गैंगस्टर है, उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं, आज सामने आई और हमारे से उन्होंने बातचीत में बताया कि उनके ऊपर तीन मुकदमे दर्ज हैं और उन्होंने बताया कि एक मर्डर हुआ था जिसमें उनको फंसाया गया था, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। उन्होंने ये भी बड़ा आरोप लगाया कि अतीक अहमद ने उनके भाई की बहुत साल पहले हत्या करा दी थी और फरवरी में वो शाइस्ता परवीन से मिली थी, शाइस्ता ने उनको धोखे से बुलवाया था, लेकिन जब वो शाइस्ता के पास गई और शाइस्ता उनको ले करके गई तो वहाँ पर चुनाव का माहौल था जिसको देख करके वो वापस चली आई हैं। मुंडी पासी अपने पक्ष में यह भी बात कह रहे हैं कि वो पुलिस के पास जाएंगी। जब हमने पूछा कि क्या आप खुद पुलिस के पास जाएंगी, तो उन्होंने इस बात की स्वीकृति दी है कि वो पुलिस के पास जाएंगी। लेकिन तमाम सवाल उठते हैं कि आखिर मुंडी पासी कहां थी। उन्होंने कबूल भी किया कि उनके ऊपर मुकदमे थे, लेकिन वो बता रहे हैं कि उनकी शाइस्ता से नजदीकी नहीं बल्कि अतीक से दुश्मनी थी। लेकिन पुलिस के मुताबिक सूत्र यही कहते हैं कि मुंडी पासी वो महिला है जो लगातार शाइस्ता को मदद कर रही थी और आज कैमरे पर कबूल भी किया मुंडी पासी ने कि किस तरीके से शाइस्ता से फरवरी में मुलाकात हुई थी। हालांकि वो आरोप लगा रही है कि उनके भाई की हत्या अतीक अहमद ने कराई थी और उनकी दुश्मनी है। तो सवाल यह उठता है कि जब दुश्मनी थी तो शाइस्ता के बुलाने पर वो शाइस्ता से के साथ क्यों गई और क्यों मुलाकात करी उन्होंने अपने घर के पास, क्योंकि कई अहम सवाल इसके बाद उठ खड़े होते हैं जो तमाम तरह के दावे मुंडी पासी की तरफ से किए गए, उस पर आपसे जवाब मैं आगे चाहूंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दें। शाइस्ता पर यूपीएसटीएफ के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। अभी भी अशरफ के ससुराल हटवा के आसपास ही है शाइस्ता परवीन। 25 अप्रैल को भी हटवा में ही पुलिस ने की थी छापेमारी और ऐसा माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, कि अभी भी अशरफ के ससुराल हटवा के आसपास ही शाइस्ता परवीन की मौजूदगी हो सकती है। तो ये इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट है। 25 अप्रैल को भी हटवा में पुलिस ने छापेमारी की थी।
शाइस्ता परवीन फरार है। और इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि चार दिन पहले शाइस्ता तक पहुंच गई थी प्रयागराज की पुलिस। ये इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट है। पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो गई। हालांकि शाइस्ता परवीन पुलिस के पहुंचने तक ही वो अपनी लोकेशन छोड़ चुकी थी। अशरफ के ससुराल के आसपास दिखी थी शाइस्ता परवीन और ऐसे में पुलिस वहां पहुंची थी। बुर्का पहनी महिलाओं ने पुलिस को घेर लिया था, जिस वजह से शाइस्ता परवीन वहां से बच निकली। ये इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट है जो आपके सामने रख रहे हैं। अशरफ के ससुराल के आसपास ही दिखी थी शाइस्ता परवीन। 25 अप्रैल को पुलिस इस लोकेशन पर पहुंची भी थी, लेकिन बुर्का पहनी महिलाओं ने पुलिस को घेर लिया और इसी का फायदा उठाकर शाइस्ता परवीन फरार हो गई। एक और बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है, वो ये पुलिस के पहुंचने से पहले मस्जिद से अनाउंसमेंट की गई थी। महिलाओं को घर से निकलने की अनाउंसमेंट की गई थी बाकायदा मस्जिद से। महिलाओं की वजह से पुलिस आगे नहीं जा सकी। महिलाओं की भीड़ का फायदा उठाकर शाइस्ता परवीन एक बार फिर से फरार हो गई। तो बाकायदा मस्जिद से अनाउंसमेंट कर तमाम महिलाओं को घर से बाहर निकलने की अपील की गई थी। ये बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है और बुर्का पहनी महिलाओं ने शाइस्ता के फरार होने में उसकी मदद की। तो ये दो बड़ी खबरें आपके सामने हम रख रहे हैं। पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गई शाइस्ता परवीन। अशरफ के ससुराल के आसपास शाइस्ता दिखी थी। और दूसरा बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है कि बकायदा मस्जिद से अनाउंसमेंट कर महिलाओं को घर से बाहर निकलने को कहा था, इसी का फायदा उठाकर शाइस्ता परवीन फरार हो गई। 25 अप्रैल को जब पुलिस की टीम अशरफ के ससुराल हटुआ पहुंची, तब TV9 की टीम भी वहीं मौजूद थी। संवाददाता पुनीत ने पूरी घटना को अपने कैमरे में कैद किया। आपको दिखाते हैं उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फरार चल रही शाइस्ता परवीन और माफिया अशरफ की पत्नी जैनबा फातिमा, उसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली कि हटवा इलाके में ये लोग छुपे हुए हैं। ये पूरा कछार इलाका है और इसी के बगल में ही ये पूरे घर बने हुए हैं। लेकिन पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो यहाँ पर जो पुलिस टीम है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं आगे की तरफ जो भीड़ है वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही होगी। तो कहा जा सकता है कि पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो ये सर्च ऑपरेशन हटवा जो गांव है वहाँ चलाया जा रहा है। पुलिस की कई टीमें मौजूद हैं। सवाल यही है कि आखिर किस घर में छुपे होने की सूचना जो है पुलिस को मिली है, क्योंकि पुलिस लगातार एक एक घरों को तलाश रही है और जितने लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो उनके जानने वाले जो परिजन बताए जा रहे हैं अशरफ के और तमाम वो लोग, उन लोगों को तलाशने की कोशिश की जा रही है और सर्च ऑपरेशन इस गांव में लगातार जारी है। ये सीधे तौर पर तस्वीरें TV9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव आप तक ये दिखा रहा है। आप देख सकते हैं फोर्स जो है ये मौके पर मौजूद है और एक एक घर को खंगाला जा रहा है। चेक किया जा रहा है कि जिस घर में पुलिस को सूचना मिली थी आखिर उस घर में फरार चल रही शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा ये मौजूद हैं कि नहीं। हमारे संवाददाता विनय रघुवंशी की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, जो बता रहे थे किस तरीके से पुलिस के हत्थे चढ़ते चढ़ते शाइस्ता परवीन बच गई। विनय, इस वक्त किस तरीके का माहौल उस इलाके में है, क्योंकि माना जा रहा है कि आखिरी लोकेशन उसकी हटवा ही बताई जा रही है जहां से फरार होने में कामयाब हो गई शाइस्ता? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये हटवा इलाका ये वही इलाका है जहां पर अशरफ का ये ससुराल हुआ करता था और यहीं पर ही जो जैनब फातिमा है यानी कि अशरफ की जो पत्नी है और जो फरार चल रही लेडी डॉन यूपी की शाइस्ता परवीन, ये दोनों लोगों की लोकेशन जो है बहुत ज्यादा दूर नहीं बल्कि प्रयागराज के हटवा इलाके में ही छुपी हुई है और ये दोनों लोग यहीं पर ही छुपे हुए हैं। जिसके बाद चार दिन पहले पूरा मुफ्ती की जो टीम है, उपेंद्र प्रताप सिंह की टीम, वो यहीं पर ही पहुंची थी और पहुंचने के बाद चारों तरफ से इस गांव को घेराबंदी किया गया था। पुलिस को जो सटीक सूचना मिली थी कि जो ये जो घर है ये अशरफ का ही बहुत करीबी और इनके जानने वाले रिश्तेदार है, उन्हीं के घर पे ही ये लोग छुपे हुए हैं। जिसके बाद पुलिस ने जब सर्च ऑपरेशन चलाया तो ये जो घर इलाका जो पूरा गांव का है ये एक दूसरे के घर से कनेक्ट है, ये आपस में एक दूसरे के घरों की जो बाउंड्रियां हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट है। इन लोगों ने यहाँ से दूसरे घर के में छुपने का जो प्रयास है वो किया, जिसके बाद जो वहीं पर ही जो इस गांव का इलाके में जो बना हुआ मस्जिद है वहीं से एक अनाउंसमेंट होता है कि पुलिस की जो सर्च ऑपरेशन जो टीम है वो यहां पर पहुंच गई है। लगातार एक एक घरों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके बाद पूरी जितना बुर्का पहनी हुई जो महिलाएं थी इस गांव की वो धीरे धीरे एक करके उस गलियों में आने लगी जिन गलियों में
जो पूरा मुफ्ती और तमाम जो सर्च ऑपरेशन चलाने वाली जो टीम थी उनके नजदीक आने लगी। पुलिस कंफ्यूज हो गई कि हालांकि इनमें से इतना बुर्का पहने हुई महिलाओं में से आखिर कौन सी वो महिला है जिसकी तलाश में पुलिस टीम यहां तक पहुंची हुई है, लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। पुलिस को चकमा देने के लिए भी प्लानिंग जो है वो पूरी तरीके से की गई थी। पुनीत शर्मा का मैं रुख करना चाहूंगी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, मुंडी पासी से चूंकि आपकी बातचीत हुई है, मैं ये समझना चाहूंगी, इस बात पर क्लैरिटी चाहिए कि उसकी शायस्ता परवीन से मुलाकात कब हुई थी और उसको लेकर और क्या कुछ खुलासे उसने किए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर बताना चाहता हूं, जो एसटीएफ के बड़े लेवल पे हम लोगों की थोड़ी देर पहले अधिकारियों से बातचीत हुई है, उसके मुताबिक शाइस्ता परवीन की जो लोकेशन है वो अभी भी हटुआ के आसपास ही है। 25 अप्रैल का ऑपरेशन जरूर फेल हो गया था बुरके वाले गैंग की वजह से जब मस्जिद से अनाउंसमेंट की गई है, लेकिन पुलिस को एसटीएफ को खासतौर से अभी भी ये मिल रही है इंडिकेशन कि कहीं ना कहीं शाइस्ता परवीन जो है वो अभी भी हटुआ के आसपास ही है, और इसीलिए पुलिस की जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है वो काम कर रही है। दूसरी बात, मुंडी पासी की अगर बात की जाए तो पुलिस के सूत्र ये बताते हैं कि मुंडी पासी लगातार शाइस्ता परवीन को शेल्टर दे रही थी, उसको छिपने में मददगार साबित हो रही थी और काफी करीबी बताई जाती है। मुंडी पासी के ऊपर गैंगस्टर भी है जो कि पुलिस ने बताया, हालांकि मुंडी पासी ने आज सामने आकर के ये कहा है कि उसके ऊपर कोई गैंगस्टर नहीं है। उसने ये भी कबूल किया कि फरवरी में शाइस्ता ने उसको अपने घर के पास बुलाया था, जब मुंडी पासी शाइस्ता के साथ गई तो उसने देखा कि वहां पर कोई पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है, जिसके बाद मुंडी पासी ने कहा कि वो वहां से वापस चली आई, और आरोप यह भी लगाया कि अतीक से उसकी दुश्मनी है क्योंकि अतीक ने मुंडी पासी के भाई का कई साल पहले हत्या करा दी थी। ठीक है, बड़ा सवाल तो ये पुनीत कि मुंडी पासी अब तक ठीक है, पुलिस को क्यों नहीं मिली वो, और जब उसकी तलाश चल रही थी तभी वो पुलिस के पास क्यों नहीं चले गए। देखिए, तमाम सवालों का जवाब देने से पहले ही मुंडी पासी वहां से निकल गई, और उससे जब हमने ये पर्टिकुलर सवाल पूछा कि क्या पुलिस के पास जाएंगी तो उन्होंने कहा कि हाँ वो पुलिस के पास जाएंगी, लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है कि जब इसका नाम अखबारों में छप चुका था, हर जगह टीवी चैनल्स पे चल रहा था कि मुंडी पासी सपोर्ट करी, तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं गई, पहला। दूसरा कि जब शाइस्ता से दुश्मनी की बात वो कह रही है, उन्होंने बताया कि अतीक ने उनके भाई की हत्या कराई, तो मुंडी पासी को शाइस्ता ने क्यों बुलवाया, क्यों मुंडी पासी शाइस्ता के साथ गई। तीसरी बात यहां पर ये है कि उसने कबूल किया कि उसके ऊपर 3 मुकदमे दर्ज हैं और इनमें एक हत्या के मामले में 120 भी यानी आपराधिक षड्यंत्र रचने का भी मामला है। कुल मिलाकर मुंडी पासी आप लोगों से बातचीत करते हुए ये कह रही है, जैसा कि पुनीत आप बता रहे हैं कि आप वो पुलिस के पास जाएगी, तो ऐसे में वो क्या कुछ कहती है उस पर भी नजर हमारी बनी रहेगी, अपडेट्स आप तक आगे पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया पुनीत आपका भी और विनय आपका भी। 3 अहम तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, ये अहम तस्वीरें आपके सामने हैं। माफिया बेगम कैसे बची, इसका सनसनीखेज खुलासा हो रहा है। 25 अप्रैल 2023 ये वो दिन बताया जा रहा है जब अशरफ के ससुराल पहुंची थी पुलिस, क्योंकि इंटेल इस बात का था कि शाइस्ता परवीन वहां मौजूद हो सकती है क्योंकि उसकी लोकेशन वहां मिली थी, ऐसे कयास लगाया जा रहा है। फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि मस्जिद से एक अनाउंसमेंट होता है, महिलाओं को घर से निकलने के लिए कहा जाता है, जिसमें बुर्का पहनी कई सारी महिलाएं घरों से बाहर निकलती हैं और इसी का फायदा उठाकर शाइस्ता परवीन एक बार फिर से फरार हो जाती है। हालांकि हटुआ में अभी भी भारी पुलिस बल तैनात है क्योंकि ऐसा अंदेशा है कि शाइस्ता अभी भी इस लोकेशन पर हो सकती है। बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की, वॉर का फाइनल राउंड ग्राउंड जीरो पर आपका चैनल है टीवी 9 भारतवर्ष। यूक्रेन के राष्ट्रपति की माने तो काउंटर ऑफेंसिव तय है और ये काउंटर ऑफेंसिव कोई मामूली नहीं होने जा रहा। जेलेंस्की रूसी तबाही की मुनादी कर रहे हैं, लेकिन पुतिन जो भी करना है वो कर ही नहीं रहे, बल्कि उन्होंने एक्शन की रफ्तार काफी बढ़ा दी है। आज हम यूक्रेन पर रूस के एक एक हमले का ब्यौरा आपको देंगे, दिखाएंगे कि कैसे यूक्रेन में तबाही मची हुई है। टीवी 9 भारतवर्ष लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हम डॉनबास के वॉरफ्रंट से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ साथ वहां की लाइव तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख दें। यूक्रेन पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला देखा गया है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचाई है। TU-95 और TU-160 से मिसाइलें गिराई गई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां KH-101 और KH-555 मिसाइल से अटैक किया गया है। रूस के विध्वंसक अटैक से यूक्रेन में भीषण तबाही मची है। तो रूस के हमलों से एक बार फिर से यूक्रेन दहल उठा है और किस तरीके से बड़े स्तर पर अलग अलग इलाकों को किया गया है टारगेट, ये हम आपको बता रहे हैं।
तो यूक्रेन पर एक बार फिर से हुआ है सीरियल अटैक और इसकी एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने हम इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए रखने जा रहे हैं। सोमवार और रविवार दो दिन का ब्यौरा आपके सामने रखे हैं। तो Nord Tu-95 बॉम्बर से सोमवार को हमला किया गया और एक दिन पहले यहां पर अलग अलग शहरों में 20 हमले रविवार को देखे गए हैं। तो कुछ इस तरीके से ताबड़तोड़ हमले यहां किए जा रहे हैं। इसके साथ ही बता दें 2 Tu-160 बॉम्बर से अटैक सोमवार को हुआ है। तो एक दिन पहले बाकमुत अवदीवका मरिंका पर रविवार के दिन हमले किए गए और ये छोटे मोटे भीषण बड़े हमले हैं। सोमवार को KH-101 और KH-555 से हमला किया गया है। तो रविवार में Tu-95 बॉम्बर से हमला देखा गया था एक दिन पहले। तो कुछ इस तरीके से अलग अलग इलाकों को एक बार फिर से रशिया ने दहला दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दें, यूक्रेन के मेलिटोपोल में रूस का बड़ा हमला हुआ है। मेलिटोपोल में घर में घुसे रशियन रॉकेट अटैक से मेलिटोपोल में भारी तबाही देखी जा रही है। ये तस्वीर आपके सामने है जहां पर मेलिटोपोल में किस तरीके से रशियन रॉकेट घर में घुस गए, ये आप देख सकते हैं। और रॉकेट अटैक से मेलिटोपोल में अब भारी तबाही मच चुकी है। रूस यूक्रेन वॉर के बीच फ्रंटलाइन पर पहुंचा आपका चैनल TV9 भारतवर्ष। रूसी फ्रंटलाइन पर पहुंचा TV9 भारतवर्ष का रिपोर्टर। रूसी सेना के आर्मोर्ड व्हीकल से फ्रंटलाइन की रिपोर्टिंग की गई। रूसी टैंक पर बैठकर वॉर जोन की आंखों देखी रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा है TV9 भारतवर्ष। तो ग्राउंड जीरो से लगातार TV9 भारतवर्ष पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। और इस बीच हमने आपको बताया कि किस तरीके से TV9 के संवाददाता उन्होंने आर्मर्ड व्हीकल से फ्रंट लाइन की रिपोर्टिंग की। आप दो तस्वीरें आपके सामने है, देखिए दो अलग अलग महत्वपूर्ण तस्वीरें। रूसी टैंक पर TV9 रिपोर्टर किस तरीके से मनीष झा सवार है और वहां से आंखों देखिए आपको बता रहे हैं कि किस तरीके के हालात इस वक्त युद्ध क्षेत्र में बने हुए हैं। और दूसरी अहम तस्वीर जहां आर्मर्ड व्हीकल पर TV9 रिपोर्टर मनीष झा को आप देख रहे हैं सैनिकों के बीच, और ये इसलिए ताकि आप तक आंखों देखी पहुंचाई जा सके किस तरीके के हालात इस वक्त युद्ध क्षेत्र में बने हुए हैं, वो आपको बेहतर तरीके से समझाया जा सके। तो रूसी टैंक पर TV9 के रिपोर्टर को आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ आर्मर्ड व्हीकल पर भी TV9 के रिपोर्टर मनीष झा की तमाम रिपोर्ट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जिस वक्त TV9 भारतवर्ष की टीम फ्रंटलाइन पर थी, ठीक उसी वक्त रूसी फाइटर जेट वॉर जोन में आया और उसने यूक्रेनी ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक कर दिए। देखिए रशियन फ्रंटलाइन से मनीष झा की एक और रिपोर्ट। देखिए इस वक्त देखिए यहाँ पर देखिए फाइटर जेट के जाते हुए प्लेयर्स बहुत सारे दिखाते हुए और TV9 की टीम इस वक्त फॉरवर्ड पोजीशन पर, और देखिए फॉरवर्ड पोजीशन पर किस तरह की फायरिंग हो रही है फाइटर जेट के जाते हुए। और हम इस वक्त फॉरवर्ड पोजीशन पर हैं जहाँ पर अलग अलग लोकेशन में प्रीवियस अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग तरीके से जो सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं हम उनको दिखाते हुए और आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ एक के बाद एक फाइटर जेट आगे बढ़ रहे हैं। तो TV9 के कैमरे पर इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर अपने आप में इस बात की गवाही है कि रूस यूक्रेन जंग जो फ्रंट लाइन की पोजीशन है वो किस तरह से है, किस तरह लड़ाई चल रही है और इस तरह मातृभूमि की रक्षा के लिए कैसे रूसी सैनिक जी जान से जुटे हुए। यहाँ इस फॉरवर्ड लाइन एक खासियत और भी है, यहाँ पर जहाँ हम मौजूद हैं वहाँ ज़्यादातर वो सैनिक हैं जिन्हें इस बार जो मोबिलाइजेशन हुआ था तो उन मोबिलाइजेशन में इनका रिक्रूटमेंट हुआ था, यानी सैनिकों के साथ में वो सब सैनिक वो सैनिक हैं जो मोबिलाइजेशन में अभी भर्ती हुए थे। और आपको दिखा रहा हूँ देखिए TV9 के कैमरे पर इस समय चारों तरफ धुआं ही धुआं, जो रूसी फाइटर जेट बहुत कम ऊंचाई से उड़ते हुए उन्होंने यूक्रेनियन पोजीशन पर अटैक किया और चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। हम उसी फॉरवर्ड पोजीशन पर इसके किसी आगे बढ़ रहे हैं हम आपको बता सकें कि यहाँ लड़ाई किस तरह से चल रही है, इस लड़ाई के मायने क्या है और इस लड़ाई को हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। चारों तरफ तरफ की तस्वीरों को आप गौर से देख लीजिए क्योंकि टेलीविजन के इतिहास में आपने कभी भी ऐसी रिपोर्टिंग ना देखी होगी ना सुनी होगी जो हम आपको दिखाने वाले हैं। और इस वक्त देखिए फॉरवर्ड पोजीशन पर कुछ सोल्जर्स ऐसे हैं जो इसी गाड़ी में इसी APC में हमारे साथ आगे बेस की तरफ बढ़ेंगे, तो उनको भी दरअसल हमने यहाँ पर लिफ्ट दिया है अगर मैं कहूँ, हालांकि ये उन्हीं की कमांड की गाड़ी है।
जहाँ पर वो सोल्जर्स इंतजार कर रहे थे बेस पर लौटने के लिए। तो और इस वक्त देखिए वो अपने हथियार और अपने साजो सामान के साथ जो ड्यूटी उनका जो चेंज हो रहा है तो वो बेस पर लौटना है, तो वो अपने हथियार और कुछ चीज़ों को लेकर वो इस गाड़ी में रख रहे हैं जिस गाड़ी में हम मौजूद हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन की राजधानी कीव से, जहां पर अटैक के बीच भारी दहशत है। कीव में जहां जहां छिपे हैं लोग, बंकरों और सबवे में नागरिकों ने वहां शरण ले ली है, क्योंकि लगातार अलर्ट वहां के लिए जारी किया गया है। और इस बीच कीव में आप देख सकते हैं जहां तहां लोगों ने शरण ली हुई है। ये सबवे है जहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बंकरों और सबवे में नागरिकों ने शरण ली है अपनी जान बचाने के लिए। खेरसों में अपार्टमेंट पर रूसी सेना का अटैक हुआ है, इससे जुड़ा हुआ इस वक्त का बड़ा अपडेट बता दें, अपार्टमेंट पर रूसी सेना ने बॉम्ब गिराया है, ये खबर सामने आ रही है। रूसी हमले में अपार्टमेंट किस तरीके से नष्ट हो गया है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें खेरसों से सामने आई है जहां पर रूसी हमले में अपार्टमेंट पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हमने आपको बताया भी कि सबसे ज्यादा तबाही इस वक्त डॉनबास रीजन में देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ खेरसों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसपे हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से एक रशियन बॉम्ब जाकर गिरा एक रिहायशी अपार्टमेंट में, जिसके बाद अपार्टमेंट के किस तरीके के हालात है, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, तबाह हो गया है ये अपार्टमेंट। और ये तस्वीरें खेरसों से सामने आई है। तो रूस ने जिस तरीके से हमले किए हैं उसके बाद पुतिन का माइंड गेम क्या है, इसे समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। क्या पुतिन यूक्रेन को काउंटर ऑफेंसिव का मौका ही नहीं देना चाहते, इसलिए ये हमले किए जा रहे हैं? क्या पुतिन यूक्रेनी फौज का मनोबल तोड़ने की कोशिश में है, ये भी बड़ा सवाल है। साथ ही साथ क्या जेलेंस्की को काउंटर ऑफेंसिव का प्लान फिलहाल रोकना पड़ेगा, क्या अपनी जमीन वापसी का जेलेंस्की का जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा? बड़ा सवाल ये भी कि रूसी एग्रेशन को देखते हुए क्या नेटो की वॉर में सीधी एंट्री हो सकती है? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिस पर हर कोई जवाब जानना चाहता है। फ्रंटलाइन पर जितना खतरा दुश्मन का है उससे कहीं ज्यादा प्रकृति और खतरनाक रास्ते हैं। ऐसे ही एक रास्ते पर टीवी 9 की टीम बीएमपी पर सवार होकर गुजरी, रास्ते में पूरी बख्तरबंद गाड़ी पानी में घुस गई। रूसी फ्रंटलाइन से संवाददाता मनीष झा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एबीसी पर बढ़ते हुए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए जब हम बख्तरबंद गाड़ी पर सवार हैं तो किस तरह से हम नदी पार कर रहे हैं। हमारा कैमरा सहयोगी अमित अब आपको दिखा रहे हैं, देखिए सामने में नदी है, इस नदी को पार करना है। हालांकि मैं इसे नदी अभी कह रहा हूं, अगर ये टेक्निकली नदी ना भी हो तो ये काफ़ी गड्ढा है और यहाँ पर बहुत सारा पानी जमा हो गया है। और अब तक आपने देखा था कि हम कीचड़ में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, अब आप देखिए कि यहाँ पर कमर भर से ज़्यादा पानी है और उतने पानी के बीच में से कैसे बख्तरबंद गाड़ी से हम इसे पार कर रहे हैं। आप देखिए इतना पानी है, इस पानी के बीच में से हम आगे बढ़ रहे हैं और ये देखिए पानी लगभग में इस गाड़ी के रूफ तक पहुँच जा रही है और उसके बाद भी ये गाड़ी बगैर किसी दिक्कत के आगे बढ़ रही है। अमित लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो कैमरे के जरिए आपको उन तस्वीरों को दिखा सके कि कैसे ये गाड़ी इतने पानी में आगे बढ़ रही है और इस पानी में आगे बढ़ते समय भी इस गाड़ी को दिक्कत नहीं होगी। तो ये बख्तरबंद गाड़ी इसी तरह के ब्रेक में इस तरह के कम्युनिकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है और आप अभी टीवी 9 के कैमरे पर उसी बख्तरबंद गाड़ी को पानी में इस तरीके से सफ़र करते हुए देख रहे हैं। तो अलग अलग तरह के ट्रेन, चाहे वो कीचड़ से सने हो या रोड जो टूटे हुए हैं या गड्ढे हो या पानी में, इस तरह से आप समझिए तकरीबन अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हमने यहाँ पर एक पहले से जैसे नदी को पार कर इसी तरह से पार करने की कोशिश की। यहाँ पर तो पानी इतना जमा था, इतने पानी के बीच में से हम धमाके की आवाज़ आई, कहाँ से धमाका होता है ये नहीं पता, कहाँ से आवाज़ नहीं पता, बस इतना समझ में आ रहा है यहाँ से पार निकलना है और इस ट्रेन से आगे बढ़ते हुए पोजीशन से मेरे पीछे के उद्देश्यों को देखिए और फिर आपको लगेगा कि टीवी 9 कहां से रिपोर्टिंग कर रहा है, कहां से आपको वॉर जोन की रिपोर्टिंग करते हुए बताने की। बड़ी खबर बता दें, रूस की यूक्रेन को सबसे बड़ी चेतावनी भी सामने आई है। रूस ने किया है बड़े हमले का खुला ऐलान, 100 रूसी क्रूज मिसाइल यूक्रेन की तरफ जा रहे हैं। रूस का अब तक का ये सबसे बड़े हमले का दावा माना जा रहा है।
आइए अब देखते हैं कि इस मेगा रशियन अटैक की और डिटेल्स क्या कुछ है जो सामने निकल कर आई है। बता दें 100 मिसाइल से अटैक का ये बड़ा और खुला चैलेंज दिया गया है। रूस का 100 क्रूज मिसाइलों से अटैक का ऐलान, इस दिन को जेलेंस्की और बाइडेन कभी नहीं भूलेंगे, ये भी साफ कर दिया गया है। समंदर और आसमान दोनों से हमारे मिसाइल एक्टिव हैं। देखते हैं कि इन रूसी मिसाइलों को कौन रोकता है, देखते हैं कि यूएस मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या करता है। शायद वो एक भी मिसाइल को रोक नहीं पाएंगे। तो ये खुली चुनौती रशिया की यूक्रेन को, और इसको लेकर ऐलान भी कर दिया गया है कि 100 मिसाइल से हमला किया जाएगा। इस बीच बड़ी खबर आपके सामने रख दें, यूक्रेन के पेवलोग्रेड में भीषण अटैक हुआ है। रूसी हमले के बाद केमिकल प्लांट में आग लग गई है। एक एयर डिफेंस मिसाइल स्टोरेज पर भी अटैक की खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर है और इससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। खबर पेवलोग्रेड से सामने आई है जहां पर एक केमिकल प्लांट पर भीषण हमला किया गया है और इसके बाद प्लांट में किस तरीके से आग लग गई है ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दावा इस बात का भी किया जा रहा है कि एक एयर डिफेंस मिसाइल स्टोरेज पर भी अटैक किया गया। और बड़ी खबर इस बीच ये भी सामने आ रही है कि यूक्रेन कभी भी शुरू कर सकता है बड़ा काउंटर ऑफेंसिव। पश्चिमी इंटेलिजेंस के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। पुतिन की तैयारियों को ध्वस्त करने का दावा इसके जरिए किया जा रहा है। तो काउंटर ऑफेंसिव के आगे नहीं टिकेगा रूस, ये दावा यूक्रेन का। ऐसे में क्या कुछ है तैयारियां, जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए काउंटर ऑफेंसिव के आगे किस तरीके से दावे किए जा रहे हैं। रूस ने निपटने की भी काफी बड़ी तैयारी की है, ये पश्चिमी इंटेलिजेंस के हवाले से आपको ये खबर हम दिखा रहे हैं। और क्या कुछ दावे इसमें किए गए हैं ये बता देते हैं। उनकी तैयारियां पश्चिमी देशों पर पश्चिमी देश देख पा रहे हैं ये कहा जा रहा है। इसके अलावा क्या बताया जा रहा है, कब्जे वाले इलाकों में काफी नए ट्रेंचेस बनाए गए हैं। इसके साथ ही साथ रूस ने सैन्य तैनाती भी काफी ज्यादा बढ़ा दी, यानी पहले से ज्यादा इसे बढ़ा दिया गया। इसके साथ बड़ा दावा ये कि रूस की ये तैयारियां शायद धरी की धरी रह जाएंगी। और बता दें आपको, ये पश्चिमी इंटेलिजेंस के हवाले से सीएनएन की रिपोर्ट से हम बता रहे खबर, पुतिन ने पहले भी मिसकैलकुलेट किया और एक बार फिर से वो मिसकैलकुलेट कर रहे हैं, ये बात कही गई है। रूस का ताजा हमला पुतिन की खींच का नतीजा है ये भी कहा जा रहा है। और बता दें आपको, काउंटर ऑफेंसिव अब तय है ये जेलेंस्की ने कहा है। तो खुद जेलेंस्की कह रहे हैं कि काउंटर ऑफेंसिव तो होकर रहेगा, तारीख अभी नहीं बता सकते, ये बड़ी बात भी उनकी तरफ से कही गई है। यानी हमला तो होगा लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, और शायद ये शुरू भी हो चुका है। काउंटर ऑफेंसिव की तारीख नहीं बताई पर कहा जा रहा है कि शायद ये शुरू भी हो चुका है, शायद ये कुछ हफ्ते बाद शुरू होगा। यानी ये भी हो सकता है कि शुरू हो गया हो और इसके भी चांसेस हैं कि ये अगले हफ्ते के बाद शुरू हो। बाकमुत चासिव की सड़क हो सकती है गेम चेंजर। एक और बड़ा अपडेट आपके सामने, यूक्रेनी कब्जे से बढ़ेगी रूसी सेना की मुश्किलें। बाकमुत से यूक्रेन में आगे बढ़ना अब आसान नहीं, बाकमुत में वॉर में आया यूटर्न। आइए अब आपको बताते हैं कि बाकमुत में रूस और यूक्रेन के लिए रोड ऑफ लाइफ की क्या अहमियत है, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए नक्शे के जरिए हम आपको बता रहे हैं, ये गेम चेंजर है। ये बाकमुत और चासिव यार को जोड़ने वाली सड़क है जिसके बारे में है हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता देते हैं, दोनों शहरों के बीच की दूरी सिर्फ 17 किलोमीटर बताई जा रही है, इसलिए भी इसे बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। 10 महीने से इस सड़क पर रूसी कब्जे की कोशिश जारी है। कुछ वक्त के लिए आपको बता दें, रूस ने इस पर दबाव भी बढ़ाया था। तो ये कितना महत्वपूर्ण है इसी से आप समझ सकते हैं। इसी रास्ते से बता दें आपको कि बाकमुत से यूक्रेन में आगे की एंट्री भी संभव है। तो बाकमुत से आगे अगर यूक्रेन में दाखिल होना होगा तो यहां पर अपना दबदबा बढ़ाना होगा। इस सड़क से ही यूक्रेनी सैनिकों को सैन्य सप्लाई भी हो रही है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाती है। यूक्रेन का दावा रूस को रोड ऑफ लाइफ से धकेला, तो ये दावा यूक्रेन की ओर से किया गया है और ये बड़ा दावा है। और इसी को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों के लिए ही ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। जेलेंस्की की वार्निंग से साफ है कि यूक्रेन किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है। टीवी 9 की टीम रूसी फ्रंटलाइन तक पहुंची, वहीं से संवाददाता मनीष झा की एक और खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूरा इलाका पिछले कुछ महीने पहले तक ये पूरी तरह से यूक्रेनी सेना के कब्जे में था और यहाँ 6-7 महीने तक भीषण लड़ाई हुई, और भीषण लड़ाई के बाद तब जाकर रूसी सेना ने इसे अपने कंट्रोल में लिया। टीवी 9 के कैमरे पर आज आप उन्हीं एक्सक्लूसिव ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जो आज तक आपने शायद फिल्मों में भी नहीं देखी होगी। और इस रियल स्टोरी जो आप कैमरे पर अभी देख पा रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि
कि बड़े बड़े गड्ढे कीचड़ और पानी के बीच से आगे बढ़ते हुए जब हम फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं तो उस वक्त लगातार और आप देखिए चार चारों तरफ ये सब लड़ाई के निशान हैं, ये सब जो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं ये सब रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच में जंग के दरमियान जो बहुत सारे गाड़ियों को नष्ट किया गया, टैंक को, तोप को या एपीसी और दूसरे बख्तरबंद गाड़ियों को जो नष्ट किया गया वो सब यहाँ पर रास्ते में यहाँ पर टूटे पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ भयानक लड़ाई चली थी। 6-7 महीने की भयानक लड़ाई के बाद रूसी सेना को इस टेरिटरी पर कब्जा करने, यहाँ पर देखिए सामने में नदी है, उस बीच में ये फसल लगी हुई है, फसल के बीच में से अब आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बताया गया यहाँ पर जो फसल है इस फसल को उगाने में भी यहाँ मौजूद सैनिकों की बड़ी भूमिका है, और इसीलिए जब चारों तरफ का ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं तो हम दिखाते हुए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ये फ्रंट लाइन है, ये वॉर की वो हकीकत है जिसे आप इस वक्त कैमरे पर देख रहे हैं। यूक्रेन के बाकमुत से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बाकमुत के सप्लाई लाइन पर यूक्रेन के कब्जे का दावा सामने आया है। रूस को बाकमुत पे लगा है बहुत बड़ा झटका, जल्द ही पीछे हटने पर मजबूर हो सकती है रूसी फौज। ये बड़ा अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है जहां बाकमुत को लेकर ये बड़ा दावा, जहाँ सप्लाई लाइन पर यूक्रेन के कब्जे का दावा सामने आ रहा है। जल्द ही पीछे हटने पर मजबूर हो सकती है रूसी सेना, ये दावा यूक्रेन का। यूक्रेन के बाकमुत से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सप्लाई लाइन पर कब्जे का दावा यूक्रेन की ओर से किया गया है और कहा जा रहा है कि मजबूर होना पड़ेगा रूसी सेना को पीछे हटने के लिए। इधर यूक्रेनी ठिकानों पर रूस का बहुत बड़ा हमला देखा गया है। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से यह अटैक हुआ है। यूक्रेनी मिलिट्री पोस्ट को अटैक में भारी नुकसान पहुंचा है, यह खबर भी निकलकर सामने आ रही है। तो बता दें आपको यूक्रेनी ठिकाने पर रूस के बड़े हमले से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमले किए गए हैं, यूक्रेनी मिलिट्री पोस्ट को इस अटैक में भारी नुकसान की भी खबर। इस बीच रूस ने जारी किया है यूक्रेनी सैनिकों का वीडियो, यूक्रेनी सैनिकों का हैरान कर देने वाला वीडियो रशिया की ओर से जारी किया गया है। घरों पर गोलियां बरसाते दिखे यूक्रेनी सैनिक, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वीडियो को बकायदा रशिया की ओर से जारी किया गया, इसमें यूक्रेनी सैनिक जो है वो घरों पर गोलियां बरसा रहे। सेवेस्तोपोल ब्लास्ट पर यूक्रेन की ओर से बड़ा दावा किया गया है। धमाके में 10 ऑयल टैंक तबाह करने का दावा किया जा रहा है। शनिवार को हुआ था क्रिमिया के सेवेस्तोपोल में ये भीषण ब्लास्ट, रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी की ओर से ये दावा किया जा रहा है।